गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी और तुम आ गए। सही कहते हैं, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। हाय मिसेज ब्रिगेंजा। गुड मॉर्निंग। मुझे बॉस ने बुलाया था, किधर है वो? अंदर स्टडी में सिद्धार्थ बाबा के साथ। ओ। अरे सिमेस, योर लेसेस खुला है। किधर? ऊपर छत पे। ओ साहिबा बॉस। मिसेस ब्रिगेंजा, बॉस को कॉफी मांगता है। तुम नहीं पिएगा क्या? अभी तो मुझे जाना है मिसेस ब्रिगेंजा, वरना आपके हाथ से तो जहर भी पी लेता। You only say it, but पीता नहीं कभी। जब तक आपको बताने की उम्मीद दिल में, मिसेस ब्रिगेंजा मैं जहर कैसे पी सकता है? You scoundrel! हाय, जाने का दिल नहीं करा, लेकिन क्या करे, काम में जाना पड़ेगा। बाय मिसेस ब्रिगेंजा। अरे यार, मेरे को तो इसके वाइफ के ऊपर तरस आता है। नहीं, अपना तरस मुझे दे दीजिए, इनकी तो शादी नहीं हुई ना अभी। Why? इसने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, एक बार ट्राई किया था। सब ठीक जा रहा था। लेकिन आखिर में इन्होंने एक सवाल पूछ लिया। What? अरे बेटा शर्मा क्यों रहे हो, पूछ लो जो पूछना है। हाँ पूछ लो। आप पढ़ी लिखी कितनी है? कहीं जा रही हो? शॉपिंग। एसएमएस को ले जाओ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये गन तुम्हारे पास कहां से? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सोफी, ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? कबर में मिली, शायद रेमो की होगी। तो इसे साथ लेके क्यों घूम रही हो, यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ पता नहीं। डोंट बुलशिट मी सोफी, मुझे पता है तुम उस दिन के बारे में सोच रही हो जब मैंने गुस्से में तुम्हें वो बातें कही थी। तुम भी तो वही सोच रहे हो रेमो को मारने के बारे में, वरना ये खाली गन देख कितना नहीं घबराते। मैं इस गन से नहीं घबरा रहा हूं, मैं अपने गुस्से से घबराता हूं और वो तुम जानती हो। इसलिए तो तुम्हें चुना है। मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूं कि इस गुस्से के पीछे मेरे लिए कितना प्यार छुपा है। अगर तुम भी मुझे उतना प्यार करती हो तो इसके बारे में फिर कभी मत सोचना। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, पर आज जब ये गन सामने आई तो वो बात भी सामने आ गई। इसे छूकर लगा कि हमारे ख्वाबों के नक्श छू लिए हो, सपना हकीकत लगने लगा। हमारे सपने जरूर पूरे होंगे सोफी, मगर इस तरह से नहीं। फिर कैसे? आज शेखर सानी के ऑफिस से मुझे फोन आया था। शेखर सानी वो फिल्म डायरेक्टर? हाँ, 5 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जरूर ब्रेक मिलेगा और फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और फिर मैं आऊंगा और सबके सामने तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। ओह, और मैं तो जैसे चली जाऊंगी ना। क्यों? बड़ी सी कार में आओगे, डायमंड्स के साथ प्रपोज करोगे तो सोचूंगी। डायमंड्स? और गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, और बेचारे आशिक? आशिक तो उंगलियों पे नचाने के लिए होते हैं, पहनने के लिए नहीं। बहुत जालिम हो तुम। और तुम गुनेगार। गुनेगार? हाँ, किसी और की भोली भाली बीवी को अपने जाल में फंसाने वाला गुनेगार। तो इस गुनेगार की सजा क्या है? You are dead and late. What? 4:30 बज गए। Oh shit, I got to leave. Bye. अरे अच्छे काम से पहले मुंह मीठा करके जाते हैं। चॉकलेट फ्रिज में पड़ी है। चॉकलेट? चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं। अच्छा। सोफी? Yes, darling. इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? शॉपिंग, तुम्हें बताकर तो गई थी। शॉपिंग या कुछ और? कुछ और मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। नहीं तो? झूठ मत बोलो सोफी,
मेरी एब्सेंस में इस घर में क्या होता रहा है मुझे सब पता चल गया है। ये क्या है हुँ? मेरे जाने के बाद तुम स्मोकिंग करती रही हो? ओह, ये एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली फील कर रही थी। आई वॉज मिसिंग यू, तो यूं ही एक सिगरेट ट्राई कर ली, जस्ट वन। सोफी, आई एम सॉरी। सॉरी बोला ना, माफ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। ओके, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि दोबारा ऐसा नहीं करोगी। आई स्वेयर। वैसे तुम्हें डांट कर बहुत मजा आया। What? You mean, dramabaz? I could kill you. हम तो पहले ही मर चुके हैं। वो क्या था? मुन्नत मुजरिम हूँ कब से क्या? रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक ना एक दिन तो याद हो ही जाएगा। मिस्टर खन्ना, आप मजाक कर रहे हैं। आपको काम भी चाहिए और पैसा भी। मैं आपको आपकी औकात याद दिला देता हूँ मिस्टर खन्ना। You are a nobody. अगर आपको काम करना है तो मेरी शर्तों पे करना होगा, नहीं तो दरवाजा सामने है। अब क्या करें? मैं तुमसे पूछ रही हूँ सनी, सोच रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें साथ रहना है तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है क्या? छोड़ क्यों नहीं देती हो रेमो को? What? You're calling me a gold digger? I don't believe this. Waiter, check please. क्या क्या कर रही हो तुम? बहुत हो गया। I'm leaving. मुझे यहाँ रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। सोफी, मुझे कार्ड भी आज ही भूलना था। कैश भी नहीं है। He'll make the payment. रहने दो, मिल गया। बुरा लगा? तुमने जानबूझकर उस दो कौड़ी के वेटर के सामने मेरी बेइज्जती की ना? औकात सिर्फ पैसे से बनती है, और ये पैसा ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, सिर्फ रेमो के पास है। ला सकते हो इतना पैसा कहीं से तुम? बोलो। क्या बोलूं? हाँ, क्या बोलूं? कि मैं तुम्हारे पति का मर्डर करने को तैयार हूँ? मैं नहीं सनी, हम। ये हमारा फैसला होगा। मगर गलत फैसला होगा। गलत फैसला होगा? और ये गलत है तो ये सही है कि मैं प्यार तुमसे करूं और बीवी उसकी बनी रहूं, जब तुम चाहो तुमसे मिलने चली आऊं, जब तुम चाहो तुम्हारे साथ सोऊं और फिर तुम्हारे बिस्तर से उठके उसके बिस्तर में जा लेटूं। You want me to be a bloody whore? Oh, shut up, Sophie. Why don't you understand? उसे मार कर भी हमें खुशी नहीं मिल पाएगी। मैं सब समझ गई। प्यार करने के लिए दिल ही नहीं गुर्दा भी चाहिए। हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है सनी। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास हमेशा के लिए, और चाहे कितना भी तड़पूं, इस बार मैं लौट के नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, कभी भी नहीं। हाय, हेलो हेलो सोफी, हैंग ऑन वन सेक। हेलो सोफी, हेलो सोफी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो, क्या बात है सोफी? यू साउंड सो लो।
I'm missing you, Remo. ऐसा लग रहा है कि लंबा अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। लेकिन आज तो ऑफिस आने से पहले ही तो मिला था तुमसे। बात तुम्हारी नहीं है, बात यह है कि मैं कब मिली थी तुमसे। तुम प्लीज अभी घर आ जाओ ना मेरे पास। I'm already on my way. पता नहीं डार्लिंग, शायद रॉन्ग नंबर था। टाइमिंग भी बड़ी रॉन्ग थी। स्मेल सो गुड। नहीं रेमो, आज मूड नहीं है, फिर कभी। मूड भी बन जाएगा। कम हियर सेक्सी थिंग। सोफी कहाँ खो गई? कुछ नहीं। Let's go home, Remo. हाँ? पर हम अभी तो आए हैं, डिनर भी नहीं किया। Yeah, I know, darling, but घर चलते हैं ना, लोगों से दूर, सिर्फ तुम और मैं, candlelight dinner, please, I'll go. Okay, whatever you like. ठीक है, you take care of the bill. मैं वॉशरूम होके आती हूँ। Okay. क्या कर रहे हो सनी? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? हाँ? वो तुमने खुद ही अपनी किस्मत में लिखा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है सोफी, नहीं होता है मुझसे बर्दाश्त। तो बर्दाश्त करना सीख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं सीखना है मुझे, नहीं सीखना है तुमसे अलग रहना।